हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि हम जा रहे हैं हार्ले डेविडसन फैट बॉय पे। तो ये चेक करें गाइस, आज की राइड होने जा रही है फैट बॉय पर। दिखाते हैं आपको फैट बॉय की राइड। बहुत ज़्यादा वाइड है ये भाई, मतलब मैं अपनी हायाबुसा चलाता हूँ तो वो इतनी वाइड नहीं लगती। ये बाइक में बहुत ज़्यादा वाइड लग रही है। हार्ले डेविडसन पे ज़्यादातर बाइक्स ऐसी रहती हैं कि उस पर हैवी लोग ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा वाइड बाइक है ये, मुझे चलाते हुआ लग रहा है कोई मैं कार से चला रहा हूँ। पूरा एक कार की स्पेस कवर कर रही है ये बाइक जो है। इसका वेट जो है हायाबुसा से ज़्यादा है, इसका वेट है 317 किलो और लाउड भी बहुत ज़्यादा है। आगे चलकर आपको गाड़ी का फुल व्यू दिखाते हैं कैसी लगती है फैट बॉय। इस पर भी बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं हमें, बहुत ख़तरनाक रिएक्शंस मिल रहे हैं। सब देख रहे हैं आसपास से बाइक को, और एक तो इतनी वाइड है कि कार की तरह इसको देखना पड़ रहा है कि कहीं से लग ना जाए मोड़ते समय ना। साइड से अगर कोई बाइक भी निकल रही है ना तो उससे भी देखना पड़ रहा है कि लग ना जाए साइड से, इतनी ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है ये। तो गाइस आप ये चेक करें, ये हार्ले डेविडसन फैट बॉय 1800 सीसी में आती है ये बाइक। और ये चेक करें गाइस कितनी ज़्यादा वाइड है ये ऐसा है कि मतलब एक पूरी कार का ना स्पेस कवर कर लेती है बाइक। 92 हॉर्स पावर ये जनरेट करती है और बहुत ही हैवी बाइक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है। मैं इस पर बहुत छोटा लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर हैवी लोग ही अच्छे लगते हैं। और बहुत ही ब्रॉड बाइक है, यहाँ से अगर आप देखें तो पूरा एक कार को कवर कर रही है बाइक। ये बाइक मैंने फर्स्ट टाइम टर्मिनेटर मूवी में देखी थी, आर्नोल्ड जो चलाता है। ये चेक करें, ये विंगलेट्स वगैरह इसमें लगे होते हैं, ये देखो फुटरेस्ट। नॉर्मल बाइक्स का जो होता है बहुत छोटा सा फुटरेस्ट होता है, इसका देखो पूरा अपना पैर रख सकते हो आप, रिलैक्स हो गए। ये बाइक जो होती है हाईवे पे आप बहुत ही ईजिली चला सकते हो इस बाइक को, बहुत ही कम्फर्टेबल बाइक होती है हाईवेज़ के लिए। लोकल के लिए बहुत मुश्किल गाड़ी है, एक तो बहुत हैवी है ऊपर से ट्रैफिक में तो ये टांगे तोड़ देगी भाई। और इसकी क्रोम इतनी अच्छी लग रही है मुझे, इसके जो क्रोम पार्ट्स हैं, ये जो क्रोम पार्ट्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इसके क्रोम पार्ट्स मेरे को। अगर आपको मैं इसके प्राइस के बारे में बताऊं तो ये ऑन रोड पड़ती है 26 लाख रुपए की। गाइस चेक करो, ये पूरा कार की तरह मोड़ना पड़ता है इसको। और इसकी ब्रेक्स मुझे थोड़ी सी कम लग रही हैं, जिस हिसाब से बाइक हैवी उस हिसाब से इसकी ब्रेक भी बहुत हैवी होनी चाहिए। ये चेक करें गाइस, सामने देहरादून लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार इसको चेक करते हैं मेन रोड पर भगाकर कैसी भागती है। और बाकी मैम अपना हायाबुसा पर व्लॉग्स लाएंगे ईद के बाद इंशाल्लाह, डेली अपडेट रहेंगे। बहुत हैवी बाइक है यार, बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है इसे। तो गाइस यहीं पर करते हैं अपना व्लॉग को एंड। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, बाइक सेफ।